कुछ दिन पहले सुबह सुबह 11 बजे कपल मेरे कंसल्टेशन चैम्बर में आए, बहुत ही डरे हुए घबराए हुए दोनों भी। उनको मैंने रिलैक्स बैठने के लिए बोला, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। बोले ठीक है बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो बोले ऐसा है कि शादी को 1 महीना हुआ और ये कर नहीं पा रहे। उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही जरा कॉन्फिडेंट थी, डेयरिंग वाली थी, उसने खुद ने बोलना चालू किया, लड़का तो चुपचाप बैठा था। बोले कर नहीं पा रहे क्योंकि उनका टाइटनेस का प्रॉब्लम है। अक्सर क्या होता है कि लड़कियां एकदम ऐसी आके बोलती नहीं है और इतना फ्रीली एक्सप्रेस भी करती नहीं है, क्योंकि काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी और दोनों का लव मैरिज था। और बोले शादी के पहले हमने कभी कुछ किया नहीं था, शादी के बाद में किया है, और जब किए तो अभी 1 महीना हुआ और अभी एक भी बार कर नहीं पा रहे। तो हुआ क्या? बोले एक तो क्या होता है कि टाइटनेस होता नहीं है, और समझो हुआ भी तभी अंदर जाने के पहले ही ढीला हो जाता है, पतन हो जाता है। तो जब मैंने उनको डिटेल हिस्ट्री पूछा तो मुझे समझ में आया कि वो डरा हुआ है, इसको है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जब है उसको परफॉर्म करने की एंग्जाइटी, मतलब मैं कर नहीं पाऊँगा, वही विचार दिमाग, मतलब बेड पर जाते तो बस उसको वही धड़कन है कि मैं कर नहीं पाऊँगा। और जब ये विचार है तो पूरा विचार चालू है यहाँ, तो यहाँ सेक्स के विचार आने को जगह ही नहीं है, सब ये विचार चालू मैं कर नहीं पाऊँगा। बोले दोनों को रिलैक्स। बोला मैं अभी आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे आप? मैंने बोला कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन होता है। बोले बिल्कुल होता है, जब उठते हैं तो इरेक्शन होता है, ऐसा लगता है उस समय मैं कर डालूँ, मगर करने गए कि फिर ढीला हो जाएगा। मतलब मॉर्निंग इरेक्शन होता है, नॉक्चर्नल जब रात में कभी उठते तो तब होता है। बोले हाँ तभी भी होता है, दिन में कभी कभी हो जाता है। बोले बिल्कुल हो जाता है। मतलब फिर तो नॉर्मल नेचुरली आपको इरेक्शन हो ही रहा है, और जब आपको करने की नौबत आती है तब आपका ढीला हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, और होने के बाद में आप इतने एक्साइट हो जाते हो कि वो जल्दी गिर भी जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कारण है, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मैंने दोनों के लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए कहा। एक तो मैंने बोला भाई प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो है वो आप ठीक कर सकते हैं, नंबर 1 बाय मास्टरबेशन, 2 घंटा पहले मास्टरबेट कर लो। बोले फिर टाइट नहीं होगा? मैंने गोलियाँ खाओ, कुछ दिन तक करो ऐसा। तो ऐसे सारे दवाइयाँ जो है, ऐसे सारे भी दवाइयाँ, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और PDE5 इनहिबिटर्स मतलब वर्दनाफिल, एवेनाफिल, सालाफिल, ये गोलियाँ हैं। ऐसे सारे में फ्लॉक्सेटिन, डेपॉक्सेटिन काम में आती है, तो ये दवाई खाओ। और स्क्वीज टेक्निक मैंने उनको सिखाया, अभी वो करो। स्क्वीज टेक्निक आप करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो जाए। ये दोनों तरीके, मतलब स्क्वीज टेक्निक और दवाई। फिर अभी आ गया सवाल परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का, क्योंकि पास में जाते हैं तो इरेक्शन होता ही नहीं है। मतलब भाई उसके लिए मैं आपको और बताता हूँ कि भाई आपको माइंड को रिलैक्स करना पहले सीखे। आपको माइंड को रिलैक्स करना है, और पूरा ख्याल जो है, पूरा विचार वाइफ के ऊपर डालो, ना कि यहाँ तुम अंदर घुस जाते हो। एंजॉय वाइफ को करना है, मतलब यू आर आउट डेयर, आउट डेयर सामने हो आप, वहाँ हो, उसके पास में हो, ना कि यहाँ हो। वो ट्रेनिंग मैंने उसको दिया कि भाई उसको तुमको आउट डेयर होना है, आउट हियर होना है, आउट डेयर होना है, मतलब वहाँ है, यहाँ नहीं है। तो उसके लिए पहले रिलैक्सेशन। नंबर 2 डाइट। डाइट यदि आप बहुत ही बैलेंस डाइट रखते हैं, सलाद, फ्रूट्स सभी प्रकार के, तो बहुत फ़ायदा उसमें हो जाएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और आपको अच्छा भी लगेगा। मोटापा उसको था थोड़ा सा, पेट में चर्बी बढ़ी हुई थी, मतलब भाई आपको ये भी करनी पड़ेगी कम। मोटापा आप कम करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से अपने आप को बहुत अच्छा भी लगता है, एंडोर्फिन्स सीक्रेट होते हैं एक्सरसाइज से, डोपामिन, सेरोटोनिन सीक्रेट, उसमें बहुत फ़ायदा सेक्स में भी हो जाएगा, और आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है बढ़ जाएगा। और 5वां जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करो, और मेडिटेशन के साथ साथ आप हिप्नोथेरेपी करके विजुअलाइजेशन करते हैं, सम्मोहन उपचार। होता क्या है कि सम्मोहन उपचार में आपको ये पता नहीं है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को, कि आप काल्पनिक संभोग कर रहे हैं कि एक्चुअल संभोग कर रहे हैं। उसको लगता है कि अपन एक्चुअल संभोग कर रहे हैं, तो काल्पनिक संभोग करना है। और बार बार जब आप काल्पनिक संभोग करते हैं आँखें बंद करके, तो एक्चुअली जब संभोग करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा अरे अपने तो ये क्या हुआ है पहले, और वो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं आएगी और उससे अच्छा हो जाएगा। तो ये सब मैंने टेक्निक्स उनको सिखाए, दोनों भी थैंक यू बोल के निकल गए। 8 दिन बाद में आए, बोले हमको बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी युवकों ने देखना है कि भाई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत होती है, स्पेशली यंग कपल्स में, और वो यदि आप ठीक करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उससे भी जल्दी गिर जाता है, तो वो भी आपको कुछ दिन तक दवाइयाँ या नमनेस की क्रीम्स या फिर
सिलनाफिल टाटाफिल जैसे दवाइयाँ ये लेके आपको करना होगा। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया बाद में दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंसलिंग बहुत ही फायदेमंद इसमें होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।